नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिक्स आज यू जी एस टी वन जीरो वन के ब्लॉक फोर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की यूनिट टेन रैंक कोरिलेशन एंड इंट्रा क्लास कोरिलेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे अगर इससे पहले अगर हम ये देखना चाहें कि इससे पहले वाले यूनिट में हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था कोरिलेशन क्या था या कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशेंट हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था वो एक लीनियर रिलेशनशिप था दो वेरिएबल्स के बीच में एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे हमारे पास और उनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप था प्लस एक सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन थी मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन थी एक वो एक तरीके से अगर हम कहें तो क्वांटिटेटिव डेटा था और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम किस केस में निकालते हैं जब हमारे पास इस तरीके से एज सच कोई डेटा गिवन नहीं होता है या हम ये कह सकते हैं कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है जहाँ पर हम चीज़ों को पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स को हम रैंक देते हैं और फिर हम उससे कोरिलेशन रिलेशन कोफिशेंट दो इंडिविजुअल्स के बीच में फाइंड आउट करते हैं और इंट्रा क्लास को रिलेशन कोफिशियंट एक और वर्ड अभी हमने यूज़ किया वो क्या है इंट्रा क्लास को रिलेशन कोफिशियंट इंट्रा क्लास को रिलेशन का मतलब होता है कि कोरिलेशन विद इन द क्लास एक क्लास के अंदर एक क्लास हमें डिफाइन है और उसके अंदर हमें कोरिलेशन निकालना है यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स नहीं होते हैं एक्स और वाई दो वेरिएबल्स नहीं है एक ही वेरिएबल है हमारे पास और उसमें क्या हमारा कोरिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं या ये ज़्यादातर यूज़ होता है बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में उन बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल स्टडीज़ के लिए इंट्रा क्लास कोरिलेशन रिलेशन कोफिशेंट को यूज़ किया जाता है एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं एक फैमिली एक फैमिली में अलग अलग भाई हैं और उन सारे भाई लोगों के हाइट के बीच में क्या कोरिलेशन है अगर हमारे पास चार या पांच उस फैमिली में भाई हैं ब्रदर्स हैं उनके बीच में उनकी हाइट्स के बीच में जो कोरिलेशन निकालना है वो हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन रिलेशन के माध्यम से निकालते हैं यहाँ पर वेरेबल एक ही है हमारे पास हाइट और एक ही हमारे पास क्लास है ब्रदर्स का या एक ही फैमिली है उसमें डिफरेंट ब्रदर्स हैं और उनकी हाइट को हमें फाइंड आउट करना है इसको आगे अगर हम देख लेते हैं ये यूनिट का ब्लॉक फोर कोरिलेशन एंड टू वेरिएबल्स एंड एसोसिएशन की टेंथ यूनिट कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन एंड इंट्रा क्लास कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन एंड इंट्रा क्लास कोरिलेशन क्या क्या हम इसमें स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स स्पियन मैन रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट फॉर टाइड रैंक्स इंट्रा क्लास को रिलेशन रिमार्क्स ऑन इंट्रा क्लास को रिलेशन और आफ्टर दैट समरी क्या क्या इसमें हम लोगों ने स्टडी किया क्या क्या फाइंड आउट हुआ इंट्रोडक्शन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशियंट इज़ ए मेजर फॉर डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दिस कोरिलेशन कोफिशियंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन कोफिशियंट इन दिस कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन it is essential that the two characteristics be defined measurable but in many cases the characteristic may not be measurable or even if measurable it may not be measured for lack of measuring instruments if the characteristic is qualitative such as intelligence or beauty or the scales of the measurement of such traits are not objectives and unique some टेंस ऑल दो मेजरमेंट्स मे बी अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन कोफिशियंट ए रफ एंड रेडी सब्सटीट्यूट में स्टिल बी कॉल फॉर टू रिड्यूज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन ऑल दिस सिचुएशन रैंक कोरिलेशन कोफिशेंट मे बी यूज इसमें एक एग्जाम्पल भी अगर हम देख सकते हैं या इसको देख लेते हैं लर्ट सपोज दैट इट इज पॉसिबल To arrange an individuals according to the degree to which they uh, possess the characteristic under inquiry, although the characteristic may not be directly measurable. Thus, for example, a number of operators, it may not be easy to offer some numerical measures of efficiency, such an ordered measurement be called a ranking.

नेक्स्ट 67 सेवन सेकेंड रैंक दिया उसके बाद 53 थ्री थर्ड रैंक दिया नेक्स्ट सेवनटीन थर्टी फाइव को फोर्थ रैंक दिया एंड सेवनटीन वन रैंक हो गया इस तरीके से हमने उसको मतलब हाईएस्ट से चले एटी नाइन को फर्स्ट रैंक देते हुए मिनिमम जो हुआ उसको लास्ट रैंक दे दिया ए रैंकिंग इन विच टू और मोर ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन रैंक इज कॉल्ड ए टाई अगर दो चीज़ों को एक ही रैंक मिलता है तो मतलब रैंक टाई कर रहा है सपोज दैट ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज अरेंजिंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट और प्रोफिशियंशी इज पोजिशन ऑफ टू करेक्टरिस्टिक ए एंड बी द रैंक इन द टू कैरेक्टरिस्टिकिविन इज विल इन जनरल भी डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए ब्यूटिफुल इंडिविजअल इज इंटेलिजेंट ऑल्सो अगर हम सपोज uh, दो क्वालिटेटिव डेटा के बीच में हम देखते हैं इंटेलिजेंस और ब्यूटी का बीच में कोरिलेशन निकालना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो ब्यूटीफुल इंडिविजुअल हो वो इंटेलिजेंट भी हो लेट एक्स आई एंड वाई आई बी द रैंक ऑफ आई एथ इंडिविजुअल इज इन टू कैरेक्टरिस्टिक ए एंड बी रिस्पेक्टिवली द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन रैंक्स एक्स आई एंड वाई आईज इज़ कॉल्ड द रैंक द फार्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट इज डिराइव बाई स्पियर जिस तरीके से वो वाला फार्मूला ड्राइव किया था कार्ल पियर्सन ने उसी तरीके से रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट का फार्मूला डेवलप किया है इस्पियर ने इसलिए इस फार्मूले को कहते हैं दिस दस इट इज कॉल्ड इस रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है डिफाइन रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट एंड डिस्क्राइब इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशियंट

जो टोटल हो गया रैंक हमारे पास वन से लेकर के जो भी नंबर्स हैं वहाँ तक जा रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई हमारी एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एंड द मीन्स आर एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू समय आर गिवन एज समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स मैथ्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं एंड समेशन एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज़ वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया एंड सेम एस फॉर वाई दोनों सेम होगा एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फॉर्मूले को वहाँ से सॉल्व करते हुए सपोज डी आई एक नया वेरिएबल हम लोगों ने चूज किया डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वाई आई

is equals to summation of x i minus x bar minus y i minus y bar ka square which is is equals to a formula dividing both sides by n we have 1 upon n summation of d i square is equals to variance of x square variance of x plus variance of y minus 2 covariance of x y. लेट रो बी द कोरिलेशन ये जो साइन है इसको हम रो कहते हैं लेट रो बी द कोरिलेशन कोफिशेंट बिटवीन रैंक्स एक्स एंड वाई देन रो इज इक्वल्स टू को वेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और को वेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रो एक्स वाई इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया वन एन समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस टू रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल है देन दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन ऑफ समेशन ओवर आई डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस टू रो सिग्मा एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व किया ये देन रो की वैल्यू इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे और रो क्या था हमारा रैंक को कोफिशियंट देन रो की वैल्यू आ गई वन माइनस समेशन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एन सिग्मा एक्स स्क्वायर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू थ्री पॉइंट टू से हमने इसमें रखी थ्री पॉइंट टू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पर वैल्यू इसमें पुट करी यहाँ पर तो ये वैल्यू आ गई रो इज इक्वल्स टू 1 minus 6 summation d i square whole divided by n n square minus 1. This is Spearman's formula for the rank correlation coefficient. Since the rank correlation coefficient is simple product correlation coefficient between 2 series of ranks, it always lies between minus 1 to plus 1. Just correlation. पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यूज हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाए करती है ठीक उसी तरीके से रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यूज भी माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाए करती है नाउ रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट फॉर टाइड रैंक्स टाइड रैंक्स का पहले भी बताया था टाइड रैंक्स मीन्स रैंक्स हमारे रिपीट हो रहे हैं बार बार तो उस केस में इफ़ सम ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव द सेम रैंक इन रैंकिंग They are said to be tied. If the same rank is allotted to m individuals, then we have a tie of length m. Let us suppose that m individuals, say k plus 1th, k plus 2th, k plus mth, are tied. If these individuals follow k other individuals in the ranking, then each may be given the rank k plus 1. But we shall follow the convention that each of the k individuals is to be given the rank k plus 1 k plus 2 up to k plus n whole divided by m which is, is equals to k plus m plus 1 by 2 this is the arithmetic mean of the ranks that these individuals would have received had there been no ties this tie then does not affect the mean of the ranks. However, this will affect the variance. The sum of square of united ranks would be mean me to e koi effect raha hai but variance may affect kariga k plus 1 square plus k plus 2 square up to k plus m square, which is m k square plus m m plus 1 k 1 upon 6 m m plus 1 2 m plus 1. And the sum of square of tied rank is ये इसको सॉल्व किया ये फॉर्मूला आया एम विद इन द ब्रैकेट के प्लस एम प्लस विच इज इक्वल्स टू एम के स्क्वा प्लस वन अपॉन फोर एम एम प्लस वन होल स्क्वायर द डिफरेंस बिटवीन एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाई ट्वेल्व कॉन्सिक्वेंटली दैरियंस इज लोअर बाई m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एन इज द

कि x रैंक्स है जो कि टाई है और y सीरीज में t टाइज हैं और उनकी लेंथ m1 से लेके एम एल तक है द वेरियंस वुड बी देन द वेरियंस वुड देन बी सिग्मा एक्स स्क्वायर इज एक माइनस वन अपॉन्ट ट्वेल्व माइनस टी एक्स एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट माइनस टी वाई यहाँ की टी एक्स क्या है टी एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i m i cube minus m i divided by 12 m and ty is equals to summation of j over l m j cube minus m j divided by 12 n and covariance 2 covariance is equals to sigma x square plus sigma y square minus summation d i square divided by 2 n and covariance of x y is equals to वैल्यूज़ हमने पुट अप कर दी यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर की सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज पुट अप करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन रही है को ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व प्लस टी वाई डिवाइडेड बाई टू माइनस समेशन डी डिवाइडेड बाई टू सो द स्पीयर रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट इन केस ऑफ टाइड रैंक्स बिकम्स टाइट रैंक केस में को रिलेशन कोफिशियंट का जो फॉर्मूला हुआ रो इज स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस टी वाई डिवाइडेड बाई टू माइनस वन बाई टू एन समेन माइनस वन डिडेड माइनस टी एक्स अंडर रूट अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी वाई इनकेस ऑफ परफेक्ट अरेंजमेंट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रैंक्स x i is equals to y i for all i then t x is equals to t y hence yappa equal to n square minus 1 divided by 12 minus t x n square minus 1 divided by 12 minus t x which is equals to 1 if we adjust only the covariance term and not the variance for ties then the above 3.9 formula reduces to

द रैंकिंग आर गि बिलो कैलकुलेट इस पेयरमैन को रिलेशन कोडिडेट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी अपू जे तक जजेज ने इनको रैंक क्या दिए हैं ए को फर्स्ट जज ने दिया है थर्ड रैंक और सेकेंड जज ने दिया है सिक्स रैंक बी को फर्स्ट जज ने दिया है एट्थ रैंक और सेकेंड जज ने दिया है फोर्थ रैंक Similarly C को fifth seven, D को four five एंड similarly so on, J को nine और eight। अब हमें क्या निकालना रहता है उसमें DI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है DI कैसे निकलता है DI आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वाई आई एक्स आई की वैल्यूज हमें गिवन है सपोज ये वाली रैंक को हम एक्स आई ले ले लेते हैं और सेकेंड जज को वाई आई ले, ले लेते हैं तो इसकी जो वैल्यूज हमारे पास आ गई माइनस थ्री 4 minus 2 minus 1 minus 3, 7 minus 1, 1 minus 3 and 1. Xi minus yi means 3 minus 6 minus 3, 8 minus 4, 4, 3 minus 3, 4, 5 minus 7 minus 2, minus 2 and so on. Hence, d i square. इन सब का स्क्वायर होना है डी आई स्क्वायेर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर स्क्वायर सिक्स माइनस टू स्क्वायर फोर माइनस वन स्क्वायर वन एंड सो ऑन और इन सब का जो टोटल आया दिस इज हंड्रेड दस स्पीयर मैन रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशियन का ये फॉर्मूला है वन माइनस सिक्स समीशन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन स्क्वायर माइनस वन ये फार्मूला यहाँ इसलिए लगा कोई भी रैंक रिपीटेड नहीं है या टाइड रैंक नहीं है यहाँ पे सभी अलग अलग रैंक्स दिए हुए हैं एक भी रैंक यहाँ पे टाइड रैंक नहीं है इसलिए ये फार्मूला पहला वाला फार्मूला यूज़ किया हम लोगों ने जो विदाउट uh, uh, टाइट रैंक्स का था सारी सभी की वैल्यूज हमने पुट अप कर दी आंसर आया पॉइंट थ्री नाइन फोर विच इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई कर रहा है इट मीन्स रो की वैल्यू यानी कि कोरिलेशन कोफिशियंट की, की वैल्यू सही है नाउ इन केस ऑफ टाइड रैंक्स टाइड रैंक्स मतलब एक जैसे दो रैंक्स हो रहे हैं द सुपरवाइजर्स रैंक बिटवीन टवेल्व वर्कर्स वर्किंग अंडर दम इन ऑर्डर आर एफिशेंसी एज फॉलोज कैलकुलेट रैंक को रिलेशन कोफिशेंट फॉर टाइड रैंक्स नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वन टू से लेके कर ट्वेल्व तक हमारे पास सुपरवाइजर वन एंड सुपरवाइजर टू फर्स्ट वर्कर को सुपरवाइजर वन ने रैंक दिया है फाइव एंड सेकेंड सुपरवाइजर ने फाइव पॉइंट फाइव सेकेंड वर्कर को सिक्स एंड फाइव पॉइंट फाइव थर्ड वर्कर को सुपरवाइजर वन ने रैंक दिया है वन एंड सुपरवाइजर टू ने रैंक दिया है टू सिमिलरली फोर्थ वर्कर को सुपरवाइजर वन ने दिया है टू एंड सुपरवाइजर टू ने दिया है टू एंड सो ऑन ट्वेल्थ वर्कर को ट्वेल्थ रैंक एंड ट्वेंथ पॉइंट फिफ्थ रैंक यहाँ पर अगर हम टाइड रैंक से देखेंगे तो सुपरवाइजर वन ने सिक्स और सेवेंथ वर्कर को एट पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव एक जैसा रैंक दिया है दोनों को सुपरवाइजर टू ने फर्स्ट और सेकेंड वर्कर को फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वर्कर को सेकेंड 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 रिपीटेशन है रैंक्स का सेम रैंक्स दिया है इसके बाद सेकेंड सुपरवाइजर ने टेंथ और टेंथ और ट्वेल्थ वर्कर को टेन पॉइंट फाइव एंड टेन पॉइंट फाइव यानी फिर से रिपीटेड रैंक्स का रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे ये रैंक्स दिए गए हैं इसके लिए फॉर uh, टाइड uh, का फॉर्मूला यूज किया जाएगा इन द रैंकिंग ऑफ फर्स्ट सुपरवाइजर देयर इज वन टाई फॉर लेंथ टू फर्स्ट सुपरवाइजर में दो आप फिर से देख लीजिए 8.5, 8.5 यानी दो वेरिएबल्स दो का रिपीटिशन है इसलिए टी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई ट्वेल्व टू स्क्वायर टू क्यूब माइनस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व जो एम की वैल्यू वहाँ पर निकाली थी वो टू है इसको सॉल्व किया टी एक्स की वैल्यू आ गई पॉइंट जीरो फोर वन सेवन इनकेस ऑफ रैंकिंग ऑफ सेकेंड सुपरवाइजर देयर आर आर थ्री टाइज ऑफ लेंथ टू थ्री एंड टू फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव दो फिर टू 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 थ्री एंड टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव टू यानी एम की वैल्यू हो गई टू वन टू थ्री थ्री एंड टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव यानी कि फिर से टू इन सबको हमने ऐड कर दिया टी वाई इज इक्वल्स टू वन बाई ट्वेल्व टू पहला था एट फाइव फाइव पॉइंट फाइव यानी टू टू क्यूब माइनस टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फिर था 2, 2, 2। यानी 3 टाइम्स 3 पावर 3 माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 12। अगेन 10.5 एंड 10.5 था 10.5 एंड 10.5 यानी 2 टाइम्स व्हिच इज 2 पे पावर 3 माइनस टू डिवाइडेड बाय 12। इन सबको सॉल्व किया टी वाई की वैल्यू आ गई 0.25। अब डी आई स्क्वायर डी आई क्या था हमारा एक्स आई माइनस वाई आई एक्स आई माइनस वाई आई और डी आई उसका स्क्वायर एक्स आई माइनस वाई आई को किया उसके बाद उसका स्क्वायर किया ये सारी वैल्यूज आई विच इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो दिस इज द फॉर्मूला इस फॉर्मूले में हमारे पास नंबर ऑफ एन कितना है टोटल ट्वेल्व कैंडिडेट्स हैं हमारे पास तो ट्वेल्व स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व टी एक्स टी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है टी एक्स टी वाई की वैल्यू समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है वो वैल्यू value, सभी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है कैलकुलेट कर ली गई हैं उन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन फाइव सिक्स ये भी हमारा माइनस वन से प्लस वन के बीच में आ रहा है जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट है इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है नाउ इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशेंट इससे पहले भी बताया था कि इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशेंट क्या है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशियंट विद इन द क्लास एक क्लास विद इन द क्लास कोरिलेशन कोफिशेंट हम फाइंड आउट करते हैं और ये ज़्यादातर हम लोग जो है इसको एग्रीकल्चरल फील्ड्स या फिर बायोलॉजिकल फील्ड्स में यूज़ करते हैं वही यहाँ पर दिया है एक बार फिर से आप देख लीजिए द प्रोडक्ट मोमेंट Correlation coefficient is defined between two clearly defined variables, such as, for example, height and weight. There are cases in which we require the correlation with respect to the particular variate between numbers members of the same class, for example, between heights of the brothers in the same family. Intra-class correlation means within-class correlation. इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरेशन कोफिशियंट इन इन एज मच एज हियर बोथ द वेरिएबल्स मेजर द सेम कैरेक्टरिस्टिक समटाइम्स इस्पेशली इन द बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल स्टडीज इससे पहले भी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि इससे पहले जो हम लोग कोरिलेशन कोफिशियंट्स कर रहे थे कार्लपियर्सन कोरिशन कोफिशियंट या फिर रैंक कोरेशन कोफिशेंट उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स थे उसमें हम हाइट वेट इस तरीके से या फिर ब्यूटी या इंटेलिजेंस कोई भी दो वेरिएबल्स ले रहे थे बट इंट्रा क्लास को रिलेशन कोफिशेंट में हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक है यहाँ पर सिंपल अगर हमने हाइट को लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल वी मे रिक्वायर द कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ द ब्रदर ऑफ़ द फैमिली तो हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशेंट को यूज करेंगे इन सच केसिस बोथ वेरिएबल्स मेजर्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक दैट इज हाइट एंड हाइट दो भाइयों की हाइट करना है तो दोनों का हाइट और हाइट से ही कंपेयर किया जाएगा देयर इज नथिंग टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर सो दैट one may be treated x variable and the other may as y variable correlation it is distinguishable from product moment correlation coefficient in as much as here both the variable measure the same characteristic sometimes especially in biological and agricultural studies it is for interest to know how the member of a family or group are correlated among themselves with respect to some one of their common characteristics, for example, we may require the correlation between the heights of the brother of a family. In such a cases, both variable measures the same characteristic, height and height. There is nothing to distinguish one from the other, so that one may be treated as x variable and other may be treated as y variable. Suppose. वी हैव एन क्लासेस अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास जो अब यहाँ से हम कर रहे हैं उसको फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ है उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए सपोज वी हैव एन क्लासेस विथ के वन के टू अप टू के एन मेम्बर्स ईच ऑफ विच हैव वैल्यूज एज एक्स वन वन एक्स वन टू अप टू एक्स एन वन नेक्स्ट एक्स वन टू एक्स टू टू अप टू एक्स टू सिमिलरली एक्स वन के वन x2 k2 up to x and kn where x i j i ki values 1 se leke n tak and j ki values 1 se leke k tak denoted the measurement of jth member of the ith class jaise agar hum ye x22 lete hain to ye kya hoga second member of the second class मतलब class second का second member है ये इसी तरीके से एक्स आई is the jth member jth member of the ith class a second member of the first class means first family we shall have ki is equals to ki minus 1 pairs of ith class or group like xij xil j and l there will be summation of ki ki minus 1 pairs in total for all n classes if we prepare a correlation table ki ki minus 1 will be entries for the th class and n is equals to k summation of ki ki minus 1 entries for all the n class such a table is called an intraclass correlation table and correlation is called the intraclass correlation that is intraclass correlation is product moment correlation coefficient between all n is equals to summation of ki ki minus 1 pairs of observation next the intraclass correlation table bivariate table x i n occurs x ki minus 1 times x 1 2 occurs x k i minus 1 times and so on from the i th class. Hence the total for ith k, i th is ki minus 1 summation of j over g, x i j and total for all n classes is summation of k i minus 1 summation of XIJ. Thus mean and variance फॉर्मूले से अगर हम चलते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू वाई बार इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन ऑफ के आई माइनस वन समेशन ओवर जे एक्स आई जे सेम वेरियंस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वेरियंस ऑफ वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन समेशन ऑफ के आई माइनस वन समेशन ओवर जे एक्स आई जे माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड को वेरियंस एन समय डबल एक्स आई जे माइनस एक्स बार एक्स आई एल माइनस एक्स बार दोनों को सॉल्व किया सोल्व करने के बाद हमने आई और एल का समीशन अलग अलग कर दिया समीशन ऑफ एक्स आई समीशन ओवर जे एक्स आई माइनस एक्स आई जे माइनस एक्स बार एक्स आई जे माइनस एक्स बार एल समेन ओवर एल एक्स आई एल माइनस एक्स बार एक्स आई एल माइनस एक्स बार सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यूज आएँ समेन ओवर आई के आई स्क्वायर एक्स आई बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर देयर फॉर इंटरा क्लास कोरिलेशन कोफिशेंट इज गिवन बाय इंट्रा क्लास को रिलेशन कोफिशियंट का फॉर्मूला को बैलेंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्समा एक्समा वाई विच इज़ वैल्यूज यहाँ पर हमने पुटअप कर दी ये वैल्यूज़ तो

Uh, करेंगे तो ऑल द एन क्लासेस हैज़ इक्वल नंबर्स के देन रेंज ऑफ इंट्रा क्लास कोरिलेशन कैन बी ऑप्टेन जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि कोरिलेशन कोफिशियंट की रेंज क्या आ रही थी माइनस वन से प्लस वन के बीच में तो इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशियंट की रेंज क्या आएगी माइनस वन अपॉन के माइनस वन से वन के बीच में इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यू लाई करेगी Now, some remarks on intra class correlation coefficient. Note that sigma m square lies between 0 to sigma square, hence, the coefficient is a maximum that is equal to 1. If sigma m square is equal to sigma square, that is one variance between the means is equal to the total variance which will happen when the variance within class is 0. In this case, the variate values of members within each class are equal. Again, r is minimum that is equals to minus 1 upon k minus 1 if sigma m square is equals to 0, which happens when the variance within class is the maximum possible. Thus, the coefficient of intra class correlation may be looked upon as. Measure of the extent to which the total variance is explained away by the variance between the means. Since intraclass correlation coefficient cannot be less minus one upon k minus one, and then through it may attain the value plus one on the positive side, so it is a skewed coefficient, and a negative values has not. द सेम सिग्निफिकेंस एज द डिपार्चर ऑफ इंडिपेंडेंस एज एंड एक वैलेंट पॉजिटिव वैल्यूज इंटरा क्लास कोरिलेशन इज अनएफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हाँ पर कोरिलेशन कोफिशेंट में क्या था कोरिलेशन कोफिशियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल यहाँ पर इंटरा क्लास कोरिलेशन इज अनएफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों के बीच में डिफ्रेंस है again r is minimum that is minus 1 upon k minus 1 if uh, sigma m square is equal to 0 which happens when the variance within class is the maximum possible thus the coefficient of intra-class correlation may be looked upon as measure of the extent to which the total variance is explained away by the variance between the means since intra-class correlation cannot be less than minus 1 upon k minus 1 through it may attain the value plus 1 on the positive side so it is a skewed coefficient and a negative value has not the same significance as a departure from the independence as an equivalent positive values intra-class correlation coefficient is unaffected by the change of origin and scale अगर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझना चाहें तो एक एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर गिवन है ये डाई नंबर दिया हुआ है और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये हमारे पास वेरेबल्स हैं फर्स्ट में फाइव फोर एट सेवन सेकेंड का टू सेवन फाइव सिक्स इस तरीके से वैल्यूज गिवन है फर्स्ट का जो टोटल आया ट्वेंटी फोर फाइव प्लस फोर प्लस एट प्लस सेवन ट्वेंटी फोर इसका जो मीन हुआ

12 divided by 4 is 3 and 2 plus 4 plus 5 plus 5 is equals to 16 which is divided by 4 is 4 u bar median hai 80 divided by 20 is equals to 4 variance 1 upon 20 summation over i summation over j uij minus u bar square skew value 1 upon 20 1 plus 0 plus 16 सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली विच इज इज इक्वल्स टू एट्टी एट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी विच इज फोर पॉइंट फोर सेम सिग्मा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर फोर प्लस वन प्लस फोर वैल्यू आई टू आर इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू फाइंड आउट करी फार्मूला ये था इस फार्मूले में हमने अप किया विच इज पॉइंट टू सेवन थ्री पॉइंट टू सेवन थ्री आर की वैल्यू पॉइंट टू सेवन थ्री मतलब कि ये हमारा प्लस वन के अंदर है इट मीन्स आंसर हमारा सही है समरी इसको पूरे को पूरी यूनिट को स्टडी करने के बाद क्या रिजल्ट निकला वाइल डीलिंग विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस ब्यूटी इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज़ द एक्चुअल मेजरमेंट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशेंट नॉट ओनली दोज डिफरेंट एग्जामिनर्स इन सच ए केस विल एवॉर्ड डिफरेंट मार्क्स फॉर the same intelligence the same examiner the same examiner at two different times may award different marks for the same intelligence in such a case therefore ordinal numbers are allotted to actual measurements either in ascending or descending order these ordinal numbers are called ranks the correlation coefficient between the ranks of two such variables or characteristics is known as रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट द कोरिलेशन रिलेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशियंट इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो हम क्या निकाल रहे हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन रिलेशन और अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है मतलब इंटेलिजेंस ब्यूटी ऑनेस्टी इस तरीके की चीज़ों को अगर हमें करना है और हमें रैंक्स गिवन है तो हम क्या निकाल रहे हैं इस्पियर रैंक कोरिलेशन कोफ़िशेंट और विद इन द क्लास अगर हमें चेक करना है कोरिलेशन फाइंड आउट करना है एक ही वेरिएबल है जैसे एक फैमिली है ब्रदर्स हैं या फिर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है हमारे पास उसमें डिफरेंट यील्ड्स उसके यील्ड्स को चेक करना है डिफरेंट पॉल प्लॉट्स की यील्ड्स को चेक करना है तो वहाँ पर हमारे पास केवल एक वेरिएबल है उस वेरिएबल उस केस में हमें क्या, कर, उस, केस में क्या कर, उस केस में क्या निकाल रहे हैं हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशियंट तो इस तरीके से हम लोगों ने दो यूनिट्स जो स्टडी करी हुई है कोरिलेशन के बारे में उसमें हम लोगों ने पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट इंट्रा क्लास कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट स्पियर कैन कोरिलेशन कोफिशेंट एंड रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट फॉर टाइड रैंक्स ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली है अब इसके बाद के जो यूनिट्स हैं उसमें हम लोग स्टडी करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में थैंक यू